नक्शबंदिया के अजीम पेशवा हजरत सैयदुना मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक दिन आम बैतुल खला में बड़ा साइज का मिट्टी का प्याला देखा। गौर से देखा तो बेताब हो गए, क्योंकि उस प्याले पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लिखा हुआ था। आगे बढ़े, प्याला उठाया और खादम से पानी का लोटा मंगवा कर अपने हाथों से खूब मल मल कर अच्छी तरह धोया और उसको बाग किया। फिर एक सफेद कपड़े में लपेट कर अदब के साथ ऊंची जगह पर रख दिया। एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से आपको इलहाम हुआ, यानी दिल में बात डाली गई, जिस तरह तुमने मेरे नाम की ताजीम की, मैं भी दुनिया और आखरत में तुम्हारा नाम ऊंचा कर देता हूं। आप फरमाया करते थे कि अल्लाह वजल्ला के नामे पाक का अदब करने से मुझे वो मकाम हासिल हुआ जो 100 साल की इबादत और रियादत से भी हासिल नहीं हो सकता। आका दो जहां के प्यारे हजरत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहहु करीम वरदियल्लाहु तआला अन्हु, आप रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने फजीलत निशान है, जो कोई जमीन से ऐसा कागज उठाए जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के नामों में से कोई भी नाम हो तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला उस उठाने वाले का नाम इल्लियीन में बुलंद फरमाएगा। ये मुकाम इल्लियीन सबसे आला मुकाम है जहां अहले ईमान की अरवाह मुंतकिल होती हैं। तो अल्लाह ताला सिर्फ नाम की बरकत से आप नाम उठाएं, अल्लाह ताला उसकी रूह को मकाम इल्लियीन तक ले जाता है। इस वजह से हर मुकद्दस तहरीर कागज कुछ भी अगर आपके आंखों के सामने आता है, अदब से उठाएं, प्यार से चूमें और उसको ऊंची जगह पर रख दें। मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बिछोने या मुसल्ले पर कुछ लिखा हुआ हो तो उसको इस्तेमाल करना नाजायज है। ये इबारत उसकी बुनावटी हो या कड़ी गई हो या रोशनाई से लिखी गई हो, अगरचे हुरूफ़े मुफरदा यानी अलिफ बा ता सा अलग अलग क्यों ना लिखे, क्योंकि हुरूफ़े मुफरदा का भी एहतराम है। अक्सर दस्तरखान पर इबारत लिखी होती है, ऐसे दस्तरखानों को इस्तेमाल में लाना और उन पर खाना खाना ना चाहिए। बाद लोगों के तकियों पर अशआर लिखे होते हैं, इनका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी क्या मतलब समझा ये रहे हैं, कोई भी लफ्ज हो, वो अलग अलग हो या जुदा जुदा हो, तो ऐसी चीजों को इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। इन चीजों का इस्तेमाल करें जहां पर ये हरूफ ना लिखे हुए हो। हजरत सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह तौबा से कबल बहुत बड़े शराबी थे। आप एक मरतबा शराब के नशे में खुद कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक कागज पर नजर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ताजीमन उठाया और इत्र खरीद कर मुअत्तर किया, यानी खुशबू लगाई। खुशबू लगाने के बाद फिर उसे बुलंद जगह पर अदब के साथ रख दिया। उसी रात एक बुजुर्ग ने ख्वाब में सुना कोई कह रहा है, जाओ बिशर से कह दो कि तुमने मेरे नाम को मुअत्तर किया, उसकी ताजीम की, उसे बुलंद जगह पर रखा, हम भी तुम्हें पाक करेंगे, हम भी तुम्हें पाक करेंगे। उन बुजुर्ग ने दिल में सोचा बिशर तो बहुत बड़ा शराबी है और ये शैतानी ख्वाब हो सकता है, कोई रहमानी ख्वाब नहीं। उन्होंने वजू किया, दो नफल पड़े, दोबारा सोए तो दोबारा ख्वाब आ गए। उन्होंने फिर यही सोचा, उन्होंने फिर वजू किया, दो नफल पड़े, दोबारा सोए, फिर ख्वाब आ गई और कहा जाओ बिशर हाफी को ये पैगाम दे दो। और ये पैगाम बिशर हाफी के लिए है। अब अगर जीवाकार हुआ कुछ यूं, वो बुजुर्ग हजरत बिशर हाफी की तलाश में निकले, उनको पता चला वो तो शराब की महफिल में है, वहां पहुंचे और बिशर को आवाज दी,
लोगों ने बताया वो तो नशे में है। उन्होंने कहा कि उन्हें जाकर किसी तरह बता दो कि एक आदमी आपके नाम का कोई पैगाम लाया है और वो बाहर खड़ा है। किसी ने जाकर खबर दी तो हजरत बिशर हाफी ने फरमाया उससे पूछो वो किसका पैगाम लाया है। दरियाफ्त करने पर वो बुजुर्ग फरमाने लगे किसी और का नहीं अल्लाह अज़्ज़ाला का पैगाम लाया हो। तो उसको बताई गई तो वो जूम उठे फौरन नंगे पांव बाहर तशरीफ लाए, पैगाम हक सुनकर सच्चे दिल से तौबा की और उस बुलंद मुकाम पर पहुंचे के मुशाहदे हक के गलबे की शिद्दत से नंगे पांव रहने लगे। इसलिए आप हाफी यानी नंगे पांव के लकब से ही मशहूर हो गए। और हजरत बिशर हाफी जिस रास्ते से एक दफा नामे पाक की तज़ीम की है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अल्लाह ताला ने बली बना दिया और ऐसा रुतबा अता फरमाया कि जहां से हजरत बिशर हाफी क्योंकि फिर उन्होंने जिंदगी भर जूते नहीं पहने, जहां से आप गुजरते थे वहां जानवर भी गंदगी नहीं करते थे। तो एक मरतबा हुआ यह कि एक जानवर ने गंदगी कर दी तो जिसने देखा उसने सोचा हो सकता है कि बिशर हाफी ना रहे हो, इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हो, क्योंकि इस रास्ते में आज तक जब तक हजरत बिशर हाफी गुजरते रहे किसी ने गंदगी नहीं की, आज की है तो उनका विसार हो चुका होगा। यह कहना था कि खबर आ गई कि हजरत बिशर हाफी चल बसे, यानी जानवर भी अदब करते थे। इतना मकाम दिया सिर्फ आबाबी वकार तजीम की वजह से। एक शख्स हजरत सैयदुना वहब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बनी इसराइल में मस्तह नबी का एक आदमी था जो 200 साल तक अल्लाह की नाफरमानी करता रहा। कितने साल तक? 200 साल तक नाफरमानी करता रहा। जब वो मर गया तो लोगों ने उसे टांगों से घसीट कर गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। अल्लाह अज़्ज़ल हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु वसलाम की तरफ वही फरमाई कि जाकर उसकी नमाज जनाजा अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या अल्लाह अज़्ज़ल बनी इसराइल कहते हैं कि वो 200 साल तक तेरी नाफरमानी करता रहा है। अल्लाह अज़्ज़ल ने इरशाद फरमाया वो ऐसा ही था, उसने 200 साल मेरी नाफरमानी की है, मगर वो जब भी तौरात खोलता और नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को देखता तो उसे चूम कर आंखों से लगाता और उस पर दुरूद पढ़ता, बस मैंने उसका यह अमल कबूल करके उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिए और 70 हूरों के साथ उसका निकाह कर दिया। तो अब अभी वकार अभी तो नाम की बातें छिड़ी हुई है, सिर्फ नाम की बातें। तो जात की तज़ीम हो तो अल्लाह कितना नवाजता होगा, अल्लाह कितना करम करता होगा। आप ऐ दो जहां पे हबीब अलैहिस्सलाम के गुलाम बात को इख्तिताम की तरफ बढ़ाते हुए हजरत सैयदुना सुफयान रहमतुल्लाह अलैह का बयान है, हजरत सैयदुना उमर बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह के पास जब कोई आलम दीन तशरीफ लाते तो आप रहमतुल्लाह अलैह दो जानू बैठ जाते ताज़ीमन। हजरत अल्लामा इस्माइल हाकी फरमाते हैं याद रखो उलमा अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, उनके उलूम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के उलूम से हासिल शुदा है। तो जिस तरह बाअमल उलमा इकराम अलैहिर्रिदवान उन्हें और मुरसलीन के आमाल और उलूम के वारिस हैं, इसी तरह उलमा का मजाक उड़ाने वाले और मजाक उड़ाने में अबू जहल उतबा बिन अभी मातीक और इन जैसे काफिरों के वारिस हैं। इस वजह से इंसान को बचना चाहिए क्योंकि इस पर दलील मौजूद। हजरत अबुल हफ़स अल कबीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसने किसी आलिम की गैब गीबत की तो कयामत के रोज उसके चेहरे पर लिखा होगा कि यह अल्लाह अज़्ज़ल्ला की रहमत से मायूस है। तो इस वजह से जो आलम रब्बानी सही अकीदा सुन्नी आलमी हो तो उसकी तज़ीम करनी चाहिए, उसकी बेअदबी नहीं करनी चाहिए। उलमाए सू ये अलग टॉपिक है। आखिरी बात दलीलों आरिफीन में है, एक फासिक नौजवान था जिसकी बुराइयों की वजह से मुसलमान उससे नफरत किया करते थे और उसे बहुत मना करते लेकिन वो एक ना सुनता।
अलगर्ज जब उसका इंतकाल हो गया तो किसी ने उसे ख्वाब में देखा कि सर पर ताज रखे हुए फरिश्तों के हमरा जन्नत में जा रहा है। उससे पूछा कि तू तो बदकार था और ये दौलत कहां से नसीब हुई। सुनिए आबा बजीवा का जवाब दिया, दुनिया में मुझसे एक नेकी हुई। कितनी? दुनिया से मुझसे सिर्फ एक नेकी हुई जिसको मैंने याद रखा हुआ है। कहा वो क्या? कहा वो ये कि जहां कहीं कुरान पाक पर मेरी निगाह पड़ती खड़े होकर तजीम की नजर से उसे देखता, यानी जहां कुरान देखता वहां खड़े हो जाता और तजीमत देखता रहता, कुरान को देखता रहता। तो कहते हैं इसी की बदौलत अल्लाह ताला ने मेरी मगफरत फरमा दी है और मुझे ये दर्जा इनायत फरमा दिया है। अब अभी वकार अभी तो इब्तदाई बातें सुना रहा हूं। अगर कुरान को ताजीमन देखना इतना बड़ा दर्जा दिला देता है तो कुरान पढ़ना कितना बड़ा दर्जा होगा, फिर कुरान को समझना कितना बड़ा दर्जा होगा, फिर कुरान को समझने के बाद अमल करना कितना बड़ा दर्जा होगा, और जो अमल की दुनिया पर कदम रखने के बाद दूसरों को अमल की दुनिया पर ले आए, अल्लाह ताला उसे क्या मर्तबा और मुकाम अता फरमाएगा। इस वजह से अब अपने सिवाकार आइए बढ़िए बाअदब बानसीब होते हुए। अब आप ऐसी बकार अंबिया अलैहिस्सलाम हो, सहाबाए कराम अलैहिर्रिदवान हो, आले बाप हो, औलिया उज़ाम हो, या कोई बा अदब शख्सियत हो, हर एक का अदब करना आपका काम है। बुलंदिए दराजात देना अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। अल्लाह अज़्ज़ोजल्ला इस बयान के तहत जो हमने समझा अल्लाह ताला हम सबको अमल की भी तौफीक अता फरमाए, हर एक बड़े का अदब छोटे पर शफ़क़त करते रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।